जन समस्या सुनी। लालकुआ के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता पवन कुमार चौहान ने मलिन बस्तियों का दौरा किया और साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना और साथ ही जल्दी समस्याओं से निजात दिलवाने का लोगों को आश्वासन भी दिया। बता दें कि पवन चौहान ने क्षेत्र में दौरा किया तो अनेक लोगों ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इसी क्रम में उन्होंने नगीना कॉलोनी, बजरी कंपनी तथा शाखा स्कूल के पास होने वाली लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का वादा किया। इधर पवन चौहान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए सजग है और जो जो भी समस्याएं लोगों के समक्ष आ रही है उनको शीघ्र भाजपा सरकार दूर करेंगी। पर उनके साथ अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार मोर्चा भी उपस्थित थे। नव भारत समाचार, लाल कुआ, उत्तराखंड से आशा रावत की रिपोर्ट। उसकी चिंता मत करो, नल कोई आर्थिक मदद सड़क शौचालय ये काम है विधायक जी के, ये विधायक देगा तब लगेगा। मैं ये जो और काम बता रहे हैं ये करवा, एक सरकारी नल वो भी खराब हो जाए तो हमको कितना परेशानी होता है, बोरिंग भी हो जाए ना इकट्ठा करके अपना लगवा रहे आप लगवाइए, बस एक बोर हो जाए तो खराब हो जाते हैं हमको कहाँ कहाँ भागना पड़ता है पानी के लिए लगवा दे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ना इस बार मैं एक बार में तो सबकी मिल जाता है, एक टके ही मिलता है। 50-60 सालों से तो किसी ने सुना ही नहीं करा, वोट के टाइम पे आते हैं लेते हैं नगीना कॉलोनी में आज मीटिंग हो रही थी ना, दुर्गापाल जी ने वो बंगाली कॉलोनी उसको उजाड़ किया था, वो नगीना कॉलोनी रेलवे वालों में आए नहीं, अब फोन बंद कर लिया था। मैं तो था उसको हाँ भाई हमारे पास, मैं भी क्या करूँ, मैं तो उतरे हाँ इतना जरूर है जैसे आप बता रहे कोई राशन कार्ड है वो है कोई वो मैं अधिकारियों को कह देता हूँ, मेरा कहना मेरी बात आप मेरी बात सुनिए, सब लोग जिनके पास पीला कार्ड जो इस तरह के लोग वो मेरे पास पीला कार्ड की फोटोकॉपी और जितने मेंबर हैं उनके सबके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ठीक, बैंक की फोटोकॉपी, बैंक के खाते की। आपका नाम क्या है और यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा नाम निर्मला देवी है, हम यहाँ 50-60 सालों से रह रहे हैं और हमको यहाँ लैट्रिन बाथरूम नहीं है और रास्ता नहीं है, सुरजा लाइट नहीं है और क्या नाम कहते हैं पानी की वो नहीं है सर, समस्या हमको तीन चीज की समस्या है बस। तो आप भूल जाते हैं, वोट लेने आते पर भूल जाते हैं, आते लौट के कोई आते ही नहीं है फिर क्या करे। हाँ अब वोट तो हम हर साल देते ही हैं, हर साल नहीं देते, 5 साल में। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम दीपक सिंह मेहता है। सर हम पैदा यही हुए, कर्ज हो गए 40-42 साल, हमको ये संजय नगर बजरी कंपनी के नाम से आता है, समस्या के साथ बहुत है इसमें हमारी, एक तो सोलर लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम नहीं है सर, सिर्फ वोट मांगने आता है उसके बाद कोई दर्शन नहीं देता यहाँ, हमारी यही समस्या है कि हमारी लैट्रिन बाथरूम हो जाए, हमारे यहाँ सोलर लाइट हो जाए, सड़क आ जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, उपेक्षा नहीं जाना। तो लालकुआ क्षेत्र और इस विधानसभा के लोगों से बहुत नजदीक से जुड़ा हूँ, इसलिए मेरा आना जाना आज ही नहीं हमेशा रहता है और लोग इसलिए मेरे को उम्मीद भी मेरे से करते हैं किसी तरह काम उनका हो। माननीय विधायक जी ने बहुत काम इस विधानसभा में किए हैं और कहीं ना कहीं ऐसा क्षेत्र भी जहाँ छूता रह जाता है, हम विधायक से निवेदन करें क्योंकि काम तो विधायक नहीं, विधायक नहीं बांटती है, सारे काम विधायक जी के द्वारा होने हैं। हमारे यहाँ तो वैसे भी एक प्रणाली है, सिस्टम है कि जिसका जो हक बनता है वो उसमें काम करता है। विधायक जी से मैं अनुरोध करूंगा इन लोगों की समस्याओं का जल्दी सोल्यूशन हो और ज्यादा पूरा नहीं तो थोड़ा हो, थोड़ा जो बचेगा उसको बाद में करेंगे। और वैसे तो प्रयास ये है कि इनके सारे काम होंगे, विधायक जी शायद कह रहे थे कि हम इन बस्ती का भी पूरी तरह से काम करने वाले हैं। ज्यादा कोई
हमेशा ये रहता है कि उनको सड़क मिल जाए, पानी मिल जाए और उनकी रहने की व्यवस्था हो जाए। ये सब मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडे की बदमाशी नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी की लोग गरीब आदमी आराम से जीता है। लेकिन मैं आज बंगाली कॉलोनी, नगीना कॉलोनी और इस क्षेत्र में आया हूँ संजय नगर में, लोग थोड़ा सड़क को लेकर के उसको लेकर के ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही काम हुए हैं, अन्य लोगों ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया है। तो इसलिए थोड़ा सा सुकून ये मिलता है कि हमारे अपने नेतागण काम करते हैं, गरीब के हक में करते हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे यहाँ का प्रदेश का नेतृत्व हो, हमारा ठीक सिस्टम है। और मैं प्रयास करूंगा आज मैं जिन आज और रोज जब भी लोगों से मिलता हूँ कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो, ऐसा मैं प्रयास करूंगा।